स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजकुमारी राणा. आई एम प्रोफेसर एट SDGS खालसा कॉलेज माहिलपुर, विच इज़ एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. मैं टाइम टू टाइम कॉमर्स मैनेजमेंट और कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ. अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अगर आपकी कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन भेज सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. जब हम नॉन इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के सेपरेट लेजर बनाए जाते हैं. तो उससे क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करता है और फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करता है. तो उससे क्या है कि दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस आने के चांस रहते हैं. फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके हिसाब से हम फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और कुछ रूल्स हैं जिनके हिसाब से हम कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. तो उन रूल्स को फॉलो करने के कारण भी देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉफिट. तो कई रीजन होते हैं प्रॉफिट्स जब डिसएग्री करते हैं कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के. तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें दे देती हूँ कि रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट क्या हो सकते हैं. आइटम्स शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो की जाती हैं और कॉस्ट अकाउंट्स में शो नहीं होती, जैसे प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स. तो ये कॉस्ट अकाउंट्स में शो नहीं होती, तो इसलिए दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ सकता है. या आइटम्स शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स. नॉमिनल चार्जेस सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में शो किए जाते हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो नहीं होते, इनके कारण भी देर इज डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चाहे वो फाइनेंशियल हों या कॉस्ट अकाउंट्स हों, अगर ओवर अब्जॉर्प्शन होगा ओवरहेड्स का या अंडर अब्जॉर्प्शन होगा तो भी प्रॉफिट्स में डिफरेंस आएगा. डिफरेंट बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन. अगर फीफो मेथड से एक अकाउंट्स फीफो मेंटेन से किए हैं, दूसरे लीफो से किए हैं या एवरेज स्टॉक मेथड से किए हैं तो भी प्रॉफिट्स में डिफरेंस आता है. या डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट है एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस. ये रीजंस हैं जिसके कारण प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स डिसएग्री. अब हम करेंगे कि सॉल्व हमने कैसे करना है क्वेश्चन. तो उसके लिए आपने बनानी है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. फॉर्मेट क्या है इसका. क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स या प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स या लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. आप कहीं से भी अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं और आपने अराइव करना है. अगर आपने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू किया तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाकर आंसर खत्म होगा. तो ये क्या है, जैसे हमने यहाँ शुरू किया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, तो इसमें कुछ आइटम्स हम ऐड करेंगे, कुछ आइटम्स हम लेस करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, लिख देंगे यहाँ टोटल हम लिख देंगे. फिर दोनों को प्लस करके उसमें से जो लेस की आइटम्स है वो हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स. आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू कर सकते हैं या लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से शुरू करेंगे तो लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट में आंसर खत्म होगा. तो जो आप बेस लेंगे उससे ऑपोजिट जो अकाउंट है उसमें आपका आंसर खत्म होगा. अब ये हमने जो आइटम्स ऐड कौन सी करनी है, लेस कौन सी करनी है, इसका सिंपल तरीका है समझने का कि आपने जब प्रॉफिट एज पर सपोज कॉस्ट अकाउंट से क्वेश्चन शुरू किया तो जो भी आपके पास आइटम है आपने ये देखना है कि उसका फाइनेंशियल अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. अगर वहाँ प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो आपने ऐड वाले कॉलम में लिख देना है, यहाँ लिख देना है. अगर वहाँ प्रॉफिट लेस हो रहा है तो आपने लेस वाले कॉलम में लिख देना है. ध्यान से फिर से एक बार समझ लें कि जो भी आपकी आइटम है उससे अगर ऑपोजिट अकाउंट में जिसका आपने का आंसर आना है उसमें अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपने ऐड कॉलम में एंट्री कर देनी है,
अगर ऑपोजिट अकाउंट में प्रॉफिट लेस हो रहा है तो आपने लेस में एंट्री कर देनी है। तो ये जो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लिखा है, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। इससे उल्टा आप कर सकते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंट से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, तो आपका आंसर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट में आएगा। एक चीज और इसमें मैं आपको ऐड कर दूं कि जरूरी नहीं है कि हमने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से क्वेश्चन शुरू किया तो आंसर हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट में ही आएगा, मतलब 99 केसेस में ऐसे होता है, लेकिन बाई चांस जो जो हम ऐड और लेस आइटम्स कर रहे हैं अगर इनमें ज्यादा डिफरेंस हो तो रेयर केसेस में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू करके आंसर लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट भी आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने कैसे मेंटेन करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन दी हुई है कॉस्ट अकाउंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंट्स की, स्टॉक वैल्यूएशन है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट चार्जेस। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट भी आपको दिया है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट भी आपको दिया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने बनानी है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये हमारा प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट, या हम ऐड का कॉलम बना लेते हैं या हम लेस का कॉलम बना लेते हैं। तो जो आइटम, तो फर्स्ट हमारी एंट्री है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंट्स में है 98,260 और फाइनेंशियल में है 105,200। तो इन दोनों का आपने डिफरेंस कर लेना है। तो हमने क्योंकि कॉस्ट अकाउंट से अपना क्वेश्चन शुरू किया है तो हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में देखना है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पर आप देखिए कि कॉस्ट अकाउंट्स में 98,260 था, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट में 105,200। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस वहाँ पर ज़्यादा है। तो जब एक्सपेंस ज़्यादा है तो क्या मतलब हुआ कि हमारा वहाँ पर प्रॉफिट लेस हो गया होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंस वाले डेबिट साइड में एक्सपेंस ज़्यादा पड़े, तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट्स क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए हम ये आइटम जो है हम कहाँ डालेंगे, लेस में डालेंगे। तो यहाँ भी हमने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स जो है प्रॉफिट को भी हमने लेस कर देना है, क्योंकि वहाँ हमारा प्रॉफिट लेस हो रहा है एक्सपेंस ज़्यादा पड़ने से, तो यहाँ भी हम लेस कर देंगे। तो ये लिख देंगे अंडर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स, दोनों को डिफरेंस कर लेंगे तो डिफरेंस 6,940 आ रहा है, तो ये हम लेस में एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी स्टॉक वैल्यूएशन की। तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स में 2,75,100 है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 2,55,000 है। ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट साइड में फाइनेंशियल अकाउंट्स में लेस अमाउंट पड़ा है, तो उससे क्या हो गया कि हमारा प्रॉफिट वहाँ बढ़ गया, कॉस्ट अकाउंट से वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स में 2,75,100 है, वहाँ 2,55,100 है, तो वहाँ हमारा प्रॉफिट एक्सपेंस कम पड़ा है तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। तो यहाँ भी हम ऐड में इस एंट्री को कर देंगे, दोनों का डिफरेंस करके एंट्री कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। नेक्स्ट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो क्रेडिट साइड में फाइनेंशियल अकाउंट में कॉस्ट अकाउंट से ज़्यादा अमाउंट है, अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो 5,320 ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट बढ़ा है, तो आपने भी इधर बढ़ा देना है, तो ऐड में ये एंट्री हम डाल देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जैसे क्वेश्चन में दी गया है कि कॉस्ट अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो ये क्रेडिट साइड में शो होगा, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा है क्रेडिट साइड में आइटम। तो कॉस्ट अकाउंट में तो शो नहीं हुआ, तो कॉस्ट अकाउंट में हमारा प्रॉफिट कम होगा, तब हमने इसको ऐड कर देना है, तो ऐड के कॉलम में पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी हमने अपना प्रॉफिट बढ़ा देना है 8,500 से, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 8,500।
नेक्स्ट एंट्री है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड कॉस्ट अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती, ये भी कहाँ होती है, ये भी होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री जाती है। डिविडेंड रिसीव्ड किया तो वहाँ हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहाँ भी हमने बढ़ा देना है, मतलब हमने ऐड कर देनी है। तो लिख देंगे डिविडेंड रिसीव्ड 26350 26,350। नेक्स्ट एंट्री है इम्प्यूटेड रेंट चार्ज। तो ये क्या है, नॉमिनल रेंट है, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में शो किया गया है। तो कॉस्ट अकाउंट में जो हुआ फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, वहाँ डेबिट साइड में रेंट चार्ज नहीं पड़ा, तो प्रॉफिट वहाँ एज इट इज है, यहाँ पड़ गया तो लेस हो गई, तो हमने वहाँ क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ भी हमने ऐड कर देना है। तो ये प्लस में एक और एंट्री आ जाएगी इम्प्यूटेड रेंट चार्ज। तो ये ऐड के कॉलम का टोटल हमारा हो जाएगा 92770। तो इसको हम जब प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 119810। इसमें से हम लेस कर देंगे 6940। लेस के कॉलम को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये आंसर आ जाएगा 112870। ये आंसर है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है हम अपना, ये देखिए आंसर 112870, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, दोनों प्रॉफिट्स टैली कर रहे हैं, जो डिफरेंसेस आए थे वो हमने सारे चेक कर लिए, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर हमने चेक कर लिया कि हमारे दोनों प्रॉफिट्स सही हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।